दिन कैसे आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। तो उसके लिए मैंने बस ये सब चीज़ें कट की हैं, देख सकते हैं आप। ये गाजर मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये पत्ता गोभी, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये प्याज, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये हरी मिर्च और ये अदरक मैंने छोटा छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और अभी मैं तो हमें मोमोज़ के लिए जो कट करके रखा है वो सब्जियों को भूनना है। पहले हम इसमें तेल डाल देंगे 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। अब इसे हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें गाजर, कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे और पत्ता गोभी कद्दूकस किया हुआ। और दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये हमने चटनी के लिए, मोमोज़ की चटनी के लिए ये टमाटर और ये सूखी हुई मिर्च उबालने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। ये हम बना रहे हैं मसाले वाले मोमो, तो इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है मैगी मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। ये हम मैदा ले रहे हैं डो बनाने के लिए, तो इसमें हम 2 बड़ी कप मैदा ऐड कर लेंगे। मैंने डो तैयार कर लिया है, 5 मिनट मैंने इसे रख दिया था। और ये है सब्जी, मोमोज के लिए सब्जी। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं मोमोज। ये मोमोज़ के लिए हमने इस पर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है 1/2 डेगची, और इसे उबाल आने तक ऐसे ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद उबाल आने के बाद हम इसमें मोमोज डालेंगे। देखिए पतीले के ऊपर, पानी के ऊपर हमने पतला कपड़ा लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम मोमोज रखेंगे। ये बिल्कुल देसी स्टाइल है, आप ट्राई कर सकते हैं घर पे अपने। अब इसे हम ढक देंगे। हेलो नाजरे, तो देखिए मेरा ये तैयार है गर्मा गर्म मोमोज, देख सकते हैं आप। ये चटनी, मैंने चटनी में अदरक लहसुन और नमक ऐड कर दिया था और उसे मैंने पीस लिया है। तो कैसा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल।